आने वाले 2020 में साउथ इंडियन की काफी भरपूर एक्शन फिल्में देखने को मिलेगा। और आज मैं 2020 में कौन कौन सी सुपरस्टार के कौन कौन सी बड़ी फिल्में आ रही है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप है साउथ इंडियन एक्शन फिल्म लवर तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, दरबार। ये एक तमिल एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है AR मुरुगादोस ने। इसमें सुपरस्टार रजनीकांत, नयनतारा और सुनील शेट्टी लीड रोल पर है। और पेट्टा की मैसिव सक्सेस के बाद सुपरस्टार रजनीकांत और एक बार कमर्शियल एंटरटेनर दरबार लेकर आ रही है। इसमें रजनीकांत एक स्टाइलिश कॉप की रोल में नजर आएंगे और साथ ही साथ इसमें उन्होंने डबल रोल प्ले कर रही है, एक कॉप का और दूसरा सोशल एक्टिविस्ट का रोल। और इस फिल्म का पोस्टर काफी बच क्रिएट कर रही है। और बता दो दोस्तों, ये फिल्म चार भाषाओं में रिलीज होंगे, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में। और दरबार मूवी रिलीज होगा 10 जनवरी 2020 में। नंबर टू, सारिलेरू नेकेव्वारु। ये एक तेलुगु एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है अनिल रविपुदी ने। इसमें महेश बाबू और रश्मिका मंदाना लीड रोल पर है। इसमें महेश बाबू एक इंडियन आर्मी मेजर के रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म का हर एक पोस्टर काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। और बता दो दोस्तों, इसका टीजर ऑलरेडी रिलीज हुआ है और वो देखने में काफी धमाकेदार है। और महेश बाबू का फैंस ने काफी एक्साइटेड है फिल्म के लिए। और इसमें महेश बाबू को बहुत सारे डेडली एक्शन करते हुए नजर आएंगे। और बता दो दोस्तों, ये मूवी रिलीज होगा 12 जनवरी 2020 में। नंबर थ्री, अल्लु वैकुंठपुरमुलो। ये एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इसमें स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और पूजा हेज लीड रोल पर है। और ये फिल्म अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास की थर्ड कोलाबरेशन है। इससे पहले इन दोनों ने मिलकर जुलाई और सॉन ऑफ सत्यमूर्ति जैसा मूवी दे चुके हैं। और इस फिल्म का हर एक पोस्टर काफी अलग अलग ढंग के है। अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म पे एक्चुअल कौन सी रोल प्ले कर रही है वो किसी भी पोस्टर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। और बता दो दोस्तों, इस फिल्म का सॉन्ग रिलीज होते ही इंडिया के हाईएस्ट व्यूअर सॉन्ग बन गए हैं और ट्रेंडिंग वन पर है। सोचो, सिर्फ गाना ही रिलीज हुआ है, जब मूवी रिलीज होगा तब क्या होगा मुझे तो पता नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताना। और इसमें भरपूर एक्शन के साथ कुछ कॉमेडी ट्विस्ट भी होंगे। और बता दो दोस्तों, ये मूवी रिलीज होगा 12 जनवरी 2020 में। तो फिर बॉक्स ऑफिस पर महेश बाबू और अल्लू अर्जुन के होंगे बिग क्लैश। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन करने वाले है बाजीमात, कमेंट करके बताना। नंबर फोर, बिग ब्रदर। ये एक मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है सिद्दीक ने। और इसमें द कम्प्लीट स्टार मोहनलाल अरबाज खान लीड रोल पर है। और इस फिल्म के साथ अरबाज खान की मलयालम फिल्म पर डिबेट होंगे। और इस फिल्म के साथ ही मोहनलाल और सिद्दीक का थर्ड कोलाबरेशन होने वाला है। इससे पहले इन दोनों ने मिलकर वियतनाम कॉलोनी 1992, लेडीज एंड जेंटलमैन 2013 इस तरह की मूवी दे चुके हैं। और फैंस को इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर उतना खास नहीं लगा, पर बाद में एक अलग ही थ्रिलिंग पोस्टर रिवील कर दिया गया है। और ये फिल्म काफी थ्रिलिंग से भरपूर होंगे। और बिग ब्रदर मूवी रिलीज होगा January 2020 में। नंबर फाइव, KGF चैप्टर टू। ये कन्नाडा प्रोडक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है प्रशांत नील ने। और सभी लोग जानते हैं ये 2018 का मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर KGF का सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। और KGF चैप्टर टू है मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म। और इस फिल्म के लिए हर कोई वेट कर रही है। ये फिल्म तो मूवी लवर को एक अलग ही फ्लेवर दिया है। और ये सिर्फ साउथ पे नहीं बल्कि बॉलीवुड में शाहरुख खान की जीरो फिल्म को भी बीट कर दिया है। और अब KGF चैप्टर टू होंगे और भी बड़े और भी ग्रिपिंग और भी एक्शन से भरपूर। इसमें यश उनका रॉकी भाई के अवतार में नजर आएंगे। और साथ ही साथ इस पार्ट में हमको संजय दत्त को एक भयानक विलेन अधीरा के रोल में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी भी होंगे। और बता दो दोस्तों, KGF चैप्टर टू रिलीज होगा 7 अप्रैल में। नंबर सिक्स, मराक्कर अरबिकादलिंते सिम्हाम। ये मलयालम एपिक हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म है जिसको डायरेक्ट करे है प्रिया दर्शन ने। और इसमें मोहनलाल, मंजू वारियर, सुनील शेट्टी और कीर्ति सुरेश लीड रोल पर है। ये 16th सेंचुरी का लेजेंडरी कुंजाली मराक्कर और उनका पुर्तगीज के अगेंस्ट पे एपिक वार को दिखाया जाएगा। और मोहनलाल इसमें वारियर कुंजाली मराक्कर का रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म का हर एक पोस्टर काफी प्रॉमिसिंग है। ये मलयालम के मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म होंगे जिसका बजट है ओवर 100 करोड़। और इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, हिंदी, अरबिक और चाइनीज में रिलीज कर दिया जाएगा। और बता दो दोस्तों, मराक्कर मूवी रिलीज होगा 26 मार्च 2020 में। नंबर सेवन, थलापथी 64। ये एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है लोकेश कनगराज ने। और इसमें थलापथी विजय और विजय सेतुपति लीड रोल पर है। विजय का लास्ट रिलीज बिगिल
बॉक्स ऑफिस तोड़कर इनकम किया है और इस साल का हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है। और थालापथी 64 में विजय कॉलेज प्रोफेसर के रोल में नजर आएंगे और उनका पास डार्क साइड भी दिखाया जाएगा और विजय सेतुपति इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आएंगे। और इस फिल्म को डायरेक्ट करी है लोकेश कनगराज, जिन्होंने लास्ट ब्लॉकबस्टर कैथी फिल्म दिया है। तो फिर दोस्तों, एक इसमें है डायरेक्टर लोकेश और साथ ही साथ थालापथी विजय, तो फिर कौन ये फिल्म को बॉक्स ऑफिस तोड़ने से रोक सकते हैं, आप ही कमेंट करके बताना। और थालापथी 64 रिलीज होगा अप्रैल 2020 में। नंबर 8, RRR। एक तेलुगु प्योर एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है एसएस राजामौली ने। इसमें जूनियर एनटीआर, ओलिविया मोरिस, रामचरण अलिया भट्ट और अजय देवगन लीड रोल पर है। ये एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें इंडियाज फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम को दिखाया जाएगा, जिन्होंने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट पे एक हिस्ट्रिकल फाइट किया था। इस फिल्म का हर एक पोस्टर काफी चैलेंजिंग लग रही है और इसमें बॉलीवुड, साउथ इंडिया और हॉलीवुड सभी इंडस्ट्री का एक्टर एक्ट्रेस नजर आएंगे, इसलिए इस फिल्म का हाइप दूसरा फिल्म से कुछ ज्यादा ही है। और बता दो दोस्तों, RRR मूवी रिलीज होगा 30 जुलाई 2020 में। नंबर 9, इंडियन 2। ये एक विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है एस शंकर ने। ये 1996 का ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन का सेकंड इंस्टॉलमेंट है और इसमें यूनिवर्सल हीरो कमल हसन नजर आएंगे सेनापति के रोल में और नेदु मोदी वेनु कृष्णा स्वामी का रोल में नजर आएंगे और साथ ही साथ इसमें काजल अग्रवाल 85 ईयर ओल्ड का होंगे और इसमें अराकुलप्रीत सिंह भी नजर आएंगे। और इस फिल्म का एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस करने में 40 करोड़ खर्च हुआ है और फैंस ने इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड भी है। और बता दो दोस्तों, इंडियन 2 मूवी रिलीज होगा 14 अप्रैल 2021 में। तो दोस्तों, ये रहा साउथ इंडियन की अपकमिंग एक्शन फिल्मों के बारे में। तो 2020 में आपको देखने मिलेगा इस सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ। इन सभी फिल्मों से आपको कौन सी फिल्म के लिए इंतजार रहेगा कमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस तरह की बॉलीवुड और साउथ इंडियाज मूवीज अपडेट पाने के लिए मलिशा जरीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।